हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे और अपने स्पोर्ट्स पे ध्यान दे रहे होंगे। तो आज हमारे साथ फिर से हमारे गोलू भैया, और आज हम अपने बेंच का पीआर लगाने जा रहे हैं। और मैं अपनी इसके बाद एक अपनी वीडियो लगाऊंगा जिसमें मैंने 80 और 85 केजी दोनों फेल किया था, और आज मैं 85 केजी क्लियर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं ब्लैंक रोड से स्टार्ट करूँगा, देन हम 85 तक जाएंगे। उसके बाद अपना हैवी चेस्ट वर्कआउट करूँगा, उसमें आपको एक आध सेट दिखाऊंगा मैं, देन वीडियो का एंड करूँगा। और मैंने एक चीज़ और बहुत देखा है कि बहुत सारे पावर लिफ्टर्स हैं जो बेंच प्रेस को इतनी प्रायोरिटी नहीं देते वीडियो में दिखाने के लिए। डेड और स्क्वाट उनकी मेन प्रायोरिटी रहती है, लेकिन मैं आपसे बोलूँगा कि बेंच को भी उतना ही अपनी वीडियोज़ में दिखाएँ जितना आप स्क्वाट और डेड को दिखाते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपने स्टार्टिंग सेट पर। गाइस टाइम आ चुका है 85 केजी ऑन द बार, और मैं लगाने जा रहा हूँ 85 केजी बेंच प्रेस अपना पीआर। देखते हैं क्या होता है। सॉरी फॉर दिस गाय, यहाँ 85 केजी तो फेल हो चुका है, और हम नेक्स्ट सेट 80 का लेने वाले हैं। शायद 80 केजी पीआर आए, उसके बाद अगर नहीं आता है तो हम ड्रॉप डाउन सेट में 70 केजी से रेप निकालेंगे। भाइयों 85 केजी पीआर तो नहीं आया, लेकिन हमने 80 केजी आज पीआर मार दिया है। इसके बाद हम 70 केजी पर
फिर मैक्सिमम रैप्स निकालेंगे। If you gotta be so broke ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen, I feed him every day with the bones clean, I feed him all the hate and he grows mean, he gets claws real big, pissed off quick, and if you cross him you might drop dead, metaphorically of course, settling the score, never getting bored, loves the blood and gore, always wanting more, feeding from the source, they don't really understand until they feel the force departed. If you start shit you'll be heartless in the darkness, torn apart quick, you'll have scars ripped, you'll be chewed up and discarded. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective.